लाडो, रानो और मीनू मौसी आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे लाडो, ये गले का हार तुम कहाँ से लेकर आई? हमारे जंगल में जो नया पंछी मार्ट खुला है वहाँ से लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। उनकी बातें चल ही रही थी तभी वहाँ पर कबूतर अपने बीवी और बच्चों के साथ आ जाता है। अरे कबूतर, कहाँ गए थे इतने दिनों से? हम बाहर विदेश गए थे। मेरे बड़े भैया विदेश के जंगल में रहते हैं ना, बहुत दिनों से वो हमें बुला रहे थे, इसीलिए इस बार हमने जाने का प्लान बनाया था। आपका अच्छा है, आपके दूर तक रिश्तेदार हैं। अगर मेरे दूर के रिश्तेदार होते तो मैं भी उनसे मिलने के लिए चली जाती, वापस इस जंगल में कभी ना आती। उतनी दूर तक उड़कर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है मीनू मौसी, ऐसा सिर्फ हम और हमारे जितना उड़ने की क्षमता रखने वाले कुछ गिने चुने ही पंछी कर सकते हैं। वो आपके बस की बात नहीं है मीनू मौसी, आप रहने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं दूर तक उड़ नहीं सकती? अगर ऐसा है तो चलो उड़ने की कंपटीशन रखते हैं। अरे मीनू मौसी, इतनी छोटी सी बात के लिए कंपटीशन की क्या जरूरत है? अब जाने भी दीजिए, ये बात हम यहीं पर खत्म करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अब तो कंपटीशन करनी ही पड़ेगी। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। क्या क्या किसी ने कंपटीशन कहा? लेकिन मामला क्या है, कोई बताएगा मुझे? मैं बताती हूँ आपको कालू भैया। रानू चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मीनू मौसी, अगर आपको कंपटीशन रखनी ही है तो ऐसी रखिए जो हम पंछी नहीं कर सकते। मतलब आप कहना क्या चाहते हो कालू भैया? देखो, उड़ना तो हम पंछियों की फितरत में है, लेकिन हम जो चीज नहीं कर सकते उसके अगर हम कंपटीशन रखें तो पता चलेगा कौन है ज्यादा समझदार। तो आप ही बताइए कालू भैया, हमें कौन सी कंपटीशन रखनी चाहिए? मेरे घर पर पम्पकिन के कुछ बीज पड़े हुए हैं। मैं हर साल बारिश के मौसम में पम्पकिन की खेती करता हूँ। हम एक काम करेंगे, मैं मीनू मौसी और कबूतर को एक एक पम्पकिन का बीज दे दूंगा। आपको वो बीज मेरे खेत में लगा देना है और उसका ख्याल रखना है। जब पम्पकिन को तोड़ने का समय आएगा तब हम उसका वजन करेंगे। जिसका भी पम्पकिन वजन में ज्यादा भरेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। मुझे मंजूर है, मैं इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे भी मंजूर है। कालू भैया, मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। मैं मेरे उगाए हुए पम्पकिन से एक अच्छा सा घोंसला बनाऊंगी। हाँ कालू भैया, मुझे भी हिस्सा लेना है। क्यों नहीं, अब दोनों भी इसमें हिस्सा ले सकती हो। ज्यादा पक्षी होंगे तो मजा भी ज्यादा आएगा। आखिर में हम परीक्षण के लिए तोता राजा जी को बुलाएंगे। तो फिर ठीक है, कब शुरू करनी है कंपटीशन? तो चलो अभी से शुरू करते हैं। आप सब आगे चलो, मेरे खेत में इकट्ठा हो जाओ। घर जाकर मैं पम्पकिन के बीज लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में सब कालू कौवे के खेत में इकट्ठा हो गए। कालू भी बीज लेकर आ गया। कालू ने सबको एक एक बीज दे दिया। चारों ने अपने अपने बीज जमीन में लगा दिए। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए कालू ने हर एक के बीज के सामने उनके नाम की नेम प्लेट लगा दी, ताकि आखिर में पता चले कि कौन सा पम्पकिन किसका है। ऐसे ही दिन बीतते गए। चारों अपने अपने पम्पकिन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। लाडो अपने पम्पकिन के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रही थी। मीनू मौसी बाजार से लाए हुए खाद का इस्तेमाल कर रही थी। रानू चिड़िया गोबर के खाद का इस्तेमाल कर रही थी।
और आखिर में कबूतर YouTube पे वीडियो देखकर अपने पम्पकिन का ख्याल रख रहा था। कुछ दिन और गुजर गए, फिर एक दिन रात के समय मीनू मौसी अपने पम्पकिन को पानी देकर घर लौट रही थी। तभी उन्हें जमीन पर एक इल्ली उनके पम्पकिन की ओर जाते हुए दिखाई दी। वो उनके पम्पकिन में जाने ही वाली थी। उन्होंने उसको रोक लिया और उससे कहा, अरे ओ इल्ली की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पम्पकिन को खाने की? अगर तुझे खाना ही है तो उस कबूतर के पम्पकिन को खा। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब। इल्ली मीनू मौसी के पम्पकिन को छोड़कर कबूतर के पम्पकिन में घुस जाती है। मीनू मौसी ने उसको कबूतर के पम्पकिन के नीचे से जाने को कहा, ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर से कोई इल्ली उसे खा रही है। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन कालू कौवा सबका हाल पूछने के लिए खेत में आ गया। तो कैसा चल रहा है सब? अरे वाह, कबूतर का पम्पकिन तो सबसे बड़ा है, लगता है इस कंपटीशन को यही जीतेगा। सारे पम्पकिन में कबूतर का पम्पकिन सबसे बड़ा था। मीनू मौसी को बहुत जलन हो रही थी और वो डर भी गई। अगर कबूतर कंपटीशन जीत गया तो जंगल के सारे पंछी मीनू मौसी को चिढ़ाने लगेंगे और कबूतर की वाह वाह हो जाएगी। कबूतर के पम्पकिन को इल्ली अंदर से खा रही थी, लेकिन फिर भी उसका पम्पकिन दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। थोड़े ही दिनों में पम्पकिन को तोड़ने का दिन आने वाला था और उसी दिन कंपटीशन का रिजल्ट भी था। मीनू मौसी अब टेंशन में आ गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर रानू और लाडो चिड़िया के पम्पकिन साइज में छोटे थे, लेकिन बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे। उन्हें कंपटीशन जीतने से कोई मतलब नहीं था। मीनू मौसी को कैसे भी करके कंपटीशन जीतना था और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जिस दिन रिजल्ट था उसके एक दिन पहले की आधी रात को मीनू मौसी चुपके से खेत में आ गई। उन्होंने अपने और कबूतर के नेम प्लेट्स की अदला बदली कर दी। अब देखती हूँ ये कबूतर कंपटीशन कैसे जीतता है। मीनू नाम है मेरा। कोई उन्हें ऐसा करते हुए देख ले इससे पहले वो वहां से निकल गई। सुबह हो गई, आखिर वो दिन आ ही गया। कालू कौवा तोता राजा को लेकर खेत में आ गया। चारों के पम्पकिन एक एक करके तोड़े गए और उनका वजन किया गया। सबके पम्पकिन में बड़ा और सबसे ज्यादा वजन वाला पम्पकिन मीनू मौसी का निकला। अरे वाह मीनू मौसी, आपने तो कमाल ही कर दिया। राजा जी विजेता का नाम घोषित करने ही वाले थे, तभी कबूतर ने कहा, रुकिए राजा जी, मुझे लगता है मीनू मौसी ने पम्पकिन की अदला बदली की है, क्योंकि मेरा पम्पकिन सबसे बड़ा था। चाहे तो आप कालू कौवे से पूछ सकते हो। कुछ दिन पहले कालू कौवा खेत में परीक्षण के लिए आया था। क्यों कालू, क्या कबूतर सच कह रहा है? हाँ राजा जी, मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। मौसी, ये सब क्या चल रहा है? क्या सच में आपने पम्पकिन की अदला बदली की है? नहीं नहीं राजा जी, ये मेरा ही पम्पकिन है। अरे ओ कबूतर के बच्चे, तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा ही पम्पकिन है? राजा जी, मेरे पम्पकिन के सामने मेरे नाम की नेम प्लेट लगी है, यही मेरी सच्चाई का सबूत है। कबूतर, ये गलत बात है। बिना किसी सबूत के तुम ऐसे मीनू मौसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। चलो अब समय ना गवाते हुए मैं मीनू मौसी को विजेता घोषित करता हूँ। जैसे ही राजा जी ने ऐसा कहा, मीनू मौसी के पम्पकिन से वही इल्ली बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आ गई, पम्पकिन से सारी हवा निकल गई। सारे ये देखकर चौंक गए। राजा जी ने अपना फैसला बदल दिया। मीनू मौसी के पम्पकिन के बाद कबूतर के पम्पकिन का वजन ज्यादा भर गया।
कबूतर इस बात से ज्यादा खुश हो गया और मीनू मौसी को चिढ़ाने लगा। क्यों मौसी, आखिर जीत ही गया मैं। राजा जी कबूतर को विजेता घोषित करने ही वाले थे तभी उसके भी पंपकिन से एक इल्ली बाहर आ गई और उसका पंपकिन भी फुस हो गया। कबूतर के पंपकिन को इल्ली अंदर से खा रही थी। मीनू मौसी कबूतर पर हंसने लगी और दोनों भी इस कंपटीशन से बाहर हो गए। लाडो ने ऑर्गेनिक और रानो ने गोबर के खाद का इस्तेमाल किया था इसीलिए इल्ली उनके पंपकिन में नहीं जा सकी। अरे नाशपिटो, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? सिपाहियों, इन दोनों पंपकिन को उठा लो। हम इन दोनों पंपकिन से हमारे रानी के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे। आखिर में रानू चिड़िया का पंपकिन वजनदार और स्वस्थ था। राजा जी ने रानू चिड़िया को विजेता घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।